हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अभी मैं स्कूल के लिए तैयार हो चुका हूँ, चुका नहीं हो रहा हूँ स्कूल। अभी तक नहीं भी नहीं हूँ। कंप्यूटर क्लासेस कब जाएगी? एक मिनट, तो मैं आ जाऊँगा, तो ही चलता हूँ, तेल वेल लगाते हैं। गाइस तैयार हो चुका हूँ, चलता हूँ स्कूल, तो आपको मिलता हूँ स्कूल से आने के बाद। सर धोया था, हेयर वॉश किया था, क्योंकि आज मेरा व्रत है और मैं कर रही थी अपनी पढ़ाई। जब तक पापा को याद आ गया मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो मैं बनाने लग गई उनके लिए कॉफ़ी। ये देखो बन रही है मेरी कॉफ़ी। गाइस मैंने अभी पढ़ाई कर ली है, तब भी मेरा एक लेक्चर रह गया है, मैं थोड़ी देर में करूँगी। देखती हूँ बाहर क्या हो रहा है, कमरे लॉक कर दिया था। तो गाइस मैं अभी गई थी मंदिर मैं और पापा, क्योंकि पापा को मंदिर में कुछ बात करनी थी, पूजा है ना हमारे घर पे, इसलिए। और फिर पापा ने उधर बोले आपको जल चढ़ाया, और फिर हम आगे बात बात कर करा के अभी पापा कर रहे हैं नाश्ता, फिर हम लोग जाएंगे कॉलेज, क्योंकि मुझे कुछ बात बात करनी है इसलिए। गाइस मैं हो गई तैयार, अब मैं निकल रही कॉलेज के लिए। तो गाइस आंटी जी आ गई है। नहीं आंटी जी नहीं आई है, लौकी छील रही है। कल है हमारे घर पे पूजा, मतलब मंदिर में करवा रहे हैं पापा, और आज हो रही है घर की सफाई, कर रही है सफाई। मम्मी कितनी गंदगी निकली है, ये देखो चूहों ने कैसी हालत ख़राब कर रखी है। कछुआ काम करने जा रहे थे, कछुआ हे भगवान कैसे मूंगफली बर्बाद कर दी। और सब्जी काट दी आंटी जी ने, और ये भी कटी है। अब आंटी लगनी बर्तन धोने में, बहुत बर्तन हुए हैं आज। मैं कितना टाइम लगेगा आज, तो टाइम लगेगा। खाना आ चुका है, मैं आ गया इस ट्यूशन से, भूख लगी थी बहुत, तो खाना वैसे मैंने मांग लिया, खाना आ चुका है। भिंडी दाल और रोटी, तो अभी खाते हैं फिर मिलते हैं। इसे देखो दूध पी रही है। मैंने खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, कोचिंग भी जाना है, और कल हमारे घर है फंक्शन, कल हमारे घर पर है फंक्शन, तो देखते क्या क्या होगा, मैं तो आपको कल ही पता चलेगा। और फिर मन कर रहा है थोड़ा लेट जाऊँ। देखो बारिश हो रही है, मैं जा रहा हूँ छत पे, रेनी सुनी है। गाइस ऊपर आ गया हूँ, और बारिश तो बढ़िया हो रही है इधर, ऐसा लग रहा है कि ना भी लूँ, फिर लग रहा है यार क्या नाम कि छोड़ो, अभी नीचे चलते, बढ़िया मौसम हो रहा है, हवा बढ़िया चल रही है, तो अभी चलते नीचे। इस मम्मी वापस खाना ले आई हैं, मतलब वो तो थोड़ा खा ही लेता, पर रोटी मम्मी ने गरम गरम सेक रही थी, रोटी ले आई वापस, और सब्जी भी वापस बनी है दूसरी, लौकी की सब्जी है, लौकी और दाल की, और भिंडी दी है, और रोटी। तो कब खाते हैं फिर मिलते हैं। गाइस राधिका आ चुकी है, लेट ही आती लेट गई मतलब, और नीचे चल रही है सफाई, हुई कल फंक्शन है ना, तो आपको दिखाता हूँ मैं अभी। नीचे तो साफ सफाई चल रही है, वो कल फंक्शन है ना, इसलिए नल, उस नल में, नल के नीचे वो दिक्कत आ गई थी, मतलब पानी तो जा रहा था, पानी जा रहा था, जा नहीं रहा था, मतलब पानी नहीं जा रहा था, और नीचे भैया थे तो उनने खोला, तो फिर तो पानी तो जाने लग गया वॉश बेसिन में से, फिर उसके अंदर नहीं जा रहा, अब पानी नीचे टपकने लग गया, मतलब बाहर ही निकलने लग गया पानी।
तभी वो मैकेनिक को बुलाया, प्लम्बर को, तभी वो सही कर देगा। मेरा ट्यूशन का हो रहा है टाइम अभी थोड़ी देर में, फिर चलते कोचिंग। गाइस मैं सो गया था, देखो पानी बरसे जा रहा है बुरी तरीके से। मैं नीचे सब गए, नीचे सफाई हो चुकी है। देखिए गाड़ी इतनी तेज आ रही, लगता है ट्यूशन भी नहीं जा पाऊंगा आज मैं। गाइस इतनी बारिश हो रही है तो मन कर रहा है नहाने का, तो देखते नहाने चलते हैं फिर। देखिए बुलेट तो गाइस नहा तो लिया है, पानी भी रुक रहा है, तो मतलब बारिश आ रही है, बादल भी साफ नहीं हो रहे। पर ये देखो इधर पानी जाम हो गया, इसको देखना हटाऊंगा ना, मैंने थोड़ा साफ करा था, फिर देखना पानी कैसे जाएगा। देखो भाई ऐसा लग रहा है हाथ को भी खींच रहा है, पानी इतना भर गया इसमें। चलते हैं रात। तो गाइस बाल देखिए कैसे हो गए, और उधर मेरा दोस्त था वो भी नारा था सामने, पर बारिश रुक गई तो चला गया। मैं भी जाने की सोच रहा हूँ नीचे कोचिंग, तो आज जा नहीं पाए, हल्की फुल्की आ रही मतलब थोड़ी बहुत। नीचे चलते हैं, गीला तो हो ही गया। तो गाइस मैं जा रहा हूँ नीचे, टॉवल ले लिए इधर से, इधर ही सुखा लेते क्योंकि बारिश में ठंड हो रही थी ना, तो फिर इधर ही सुखा लेती हुई ऊपर वाले फ्लोर में। गाइस अभी मैं ऊपर से आ गया, चेंज कर लिए कपड़े, अब मम्मी बोल रही कोचिंग चल जाती हूँ, जा रहा हूँ फिर आपको मिलता हूँ कोचिंग से आके। तो गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा सर में दर्द भी हो रहा है क्योंकि व्रत है और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो अभी पापा है, पापा के साथ जाऊँगी माला लेने के लिए और फ्रूट्स ले आएंगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे। सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो अभी आए हुए हैं पापा क्योंकि उन्होंने भी खाना नहीं खाया था, अभी आए खाना खाने के लिए। सो गाइस मैं सोकर उठ चुकी हूँ और देखा तो दीदी का व्रत है, मुझे तो पता नहीं था सुबह से ये आजकल व्रत भी रखना स्टार्ट कर रही है। देखो मम्मी गाइड कर रही है और ये व्रत कर रही है, कान्हा जी भी हमारे इधर बैठे हैं, देख सकते हो आप, इधर भगवान जी के लिए रेडी हो गया है। दीदी की पूजा हो गई है स्टार्ट, तो गाइस मेरी पूजा हो गई है वैभव लक्ष्मी की। गाइस मैंने पूजा कर ली है अच्छे से माँ की, और अब बस मम्मी आएंगी, आ गई है। उस सर अभी भी थोड़ा दुख रहा है मेरा, जो पापा फ्रूट्स लेकर आए हैं थोड़ा खा लूँ तभी शांति मिलेगी, इस वजह से कुछ खाया नहीं। अभी मम्मी आएंगी तो मम्मी अच्छी चाय बनाएंगी। आ चुका हूँ ट्यूशन से घर पे, बारिश तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। ट्यूशन जाने से पहले मैं नहा लिया, बढ़िया मस्त मज़े आ गए थे, अब भूख लग रही है, मम्मी खाना बना रही हैं, वो रक्षा पूजा कर ली थी, प्रसाद दिया थोड़ा, तो अभी देखते हैं भूख लग रही है तो खाना क्या बना क्या नहीं बना। खाना आ चुका है, चने की सब्जी, चावल और रोटी, तो खाते हैं और फिर मिलते हैं। अभी मैंने खाना वाना खा लिया, अभी पढ़ने के लिए बैठ ही रहा था तो मम्मी ने बोला कि थोड़ा कचरा था वो
उधर डालिए, आगे थोड़ा कचरे के वो पड़ा हुआ है ढेर, तो उसमें डालने के लिए बोल रहे थे, डालने चलते हैं। ढेर तो क्या मतलब, गाड़ी आती है तो थोड़ा कचरा डालना था, कचरा डालने चलते हैं फिर, मतलब आगे डालना था, चलते हैं फिर। ये क्या हो गया गाइस, कचरा लेके जा रहे हैं सब लोग। खब आ चुके हैं हम घर पे, चलते हैं ऊपर। तो गाइस भाई मैं सोने के लिए आ गया हूँ, पढ़ाई वढ़ाई कर ली थी तो अभी सोते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले राधे राधे।